बात करते हैं गेहूं की। बता दें रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाने से दुनिया भर में हलचल मच गई है। G7 देशों के ग्रुप ने भारत सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। जर्मनी के कृषि मंत्री केम ओज डेमिर ने कहा है कि भारत के इस कदम से दुनिया भर में कॉमोडिटी की कीमतों का संकट और ज़्यादा बढ़ गया है। अगले महीने जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। रूस और यूक्रेन दोनों देश गेहूं के बड़े एक्सपोर्टर हैं और फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद सप्लाई की चिंताओं से वैश्विक गेहूँ की कीमतें बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम 60% तक बढ़ गए हैं। भारत गेहूं उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे है। यहां सालाना लगभग 107.59 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है। इसका एक बड़ा हिस्सा घरेलू खपत में जाता है। वहीं भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात है। गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के दो प्रमुख कारण है। पहला, गेहूं की सरकारी खरीद कम हुई है। दूसरा, मौसम की मार से गेहूं की फसल पर इसका असर पड़ा है, जिस वजह से पैदावार कम हुई है। ऐसी स्थिति में देश के सामने ये आशंका खड़ी हो गई थी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में गेहूं के भंडार खाली ना हो जाए। सरकार ने ये भी साफ किया है कि जिन कंपनियों फार्मों को 13 मई तक लेटर ऑफ क्रेडिट मिल चुके हैं वह निर्यात कर सकेंगे। हालांकि ये नहीं बताया कि कितनी कंपनियों को 13 मई तक LOC मिल चुके थे। वहीं सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि कई कारणों से दुनिया में गेहूं की कीमतों में उछाल आया है। इससे भारत सहित पड़ोसी देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए निर्यात पर रोक का फैसला भी किया गया है। पिछले महीने 15 तारीख को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि 2022-23 में गेहूं का निर्यात 100 लाख टन के पार जाएगा, लेकिन अब सरकार का रुख बदलने से कुछ किसान संगठनों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि इस फैसले से गेहूं के दाम घटेंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा। हालांकि कुछ संगठनों का कहना है कि इससे आम लोगों को गेहूं उचित कीमत पर मिलेगा। वहीं एक्सपोर्ट पर अगर सरकार रोक नहीं लगाती है तो 2006 से 2007 जैसे हालात बन सकते हैं। उस समय हमें गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा था, वो भी लगभग 1.5 गुना ज्यादा कीमत पर। रोक नहीं लगती है तो भारत में गेहूं के दाम 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तक उछल सकते थे, जो अभी 2,300 रुपए के करीब है। अब सोचिए कि अभी देश में गेहूं की कमी नहीं है, फिर भी दाम बढ़ गए हैं। अगर बाद में कमी पड़ती है तो क्या हालात देखने को मिलेंगे। तो ये थी बात गेहूं की कि गेहूं एक्सपोर्ट बैन से दुनिया में हलचल मच गई है। और साथ ही G7 ने भारत के फैसले की आलोचना की और इस पर जर्मनी के कृषि मंत्री ने बोला कि संकट और इससे गहरा जाएगा। तो बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स TV के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।